channel. This side Mansi Yadav with you once again. I hope everybody's doing really, really great. So let's start with today's video as well. And this is going to help you, my future cabin crew. So let's start with today's video as well. Let's continue with this video as well. And I also want to thank each one of you. Thank you from bottom of my heart. इतना सारा प्यार करने के लिए सारी वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए तो each one of you has subscribed the channel. Thank you so much. That really, really, really means a lot to me. और यहाँ तक की जर्नी जो है मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है. और थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए, हमेशा वीडियो को लाइक करने के लिए, कॉमेंट करने के लिए, इतने प्यारे प्यारे. सो थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू. सो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ. सो थ्री थिंग्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी फ्लाइट में कैरी करने, जो सबसे मैंडेटरी थिंग्स है जिसके बिना फ्लाइट के लिए नहीं जा सकते. सो मैं कैबिन क्रू बैग की ऑलरेडी वीडियो आप लोग के लिए बना चुकी हूँ कि क्या क्या कैबिन क्रू बैग हम लोग कैरी करते हैं. आई नो यू विल बी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट, राइट? सो मैं ऑलरेडी इस चीज के रिगार्डिंग में वीडियो बना चुकी हूँ. बैग में क्या क्या चीजें होती है, ऑल साइड चीजें होती है जरूरत, बट मैंडेटरी थिंग क्या होती है आज मैं वो बताने को जा रही हूँ. सो जब भी आप अपनी फ्लाइट के लिए जाएंगे तो आप ये सारी चीजें नहीं भूलेंगे. इज द फर्स्ट थिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू कैरी फॉर योर वेन एवर यूर गोइंग फॉर एनी फ्लाइट, दैट इज योर लैनयार्ड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपना लैनयार्ड कैरी करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जब भी आप अपनी फ्लाइट के लिए जा रहे हो तो ये लैनयार्ड जो है आपको कैरी करना, इट्स मोस्ट एंड मैंडेटरी थिंग, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी योर लैनयार्ड. और क्योंकि इसके बिना आप अपनी फ्लाइट के लिए तो जा ही नहीं सकते, आप एयरपोर्ट पर एंट्री भी नहीं कर सकते इसके बिना. सो अगर आप ये भूल चुके हो, यू आर नॉट गोइंग फॉर एनी अदर फ्लाइट. सो गाइज, दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मतलब आप खाना बोल सकते हो, पीना बोल सकते हो, बट अगर आप ये भूल गए तो देन यू आर गॉन. गॉन मीन गॉन केस, समझ रहे आप. सो ये कैरी करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और मतलब एयरपोर्ट पर एंट्री होगी तो आप ऑब्वियसली फ्लाइट के लिए नहीं जा सकते. और रही बात अगर भूल जाते तो क्या होता है, यू हैव टू यू नो, फॉर एग्जाम्पल मेरी फ्लाइट है, ठीक है, और अगर मैं वो चीज़ भूल चुकी हूँ सो मैं उसको ढूंढने की कोशिश करूंगी. बट अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को नहीं मिल रहा, वो गिर गया है, गुम हो चुका है, या अगर मैं भूल चुकी हूँ, नाउ अगर जो अभी फ्लाइट का टाइम है अगर वो निकल जाता है, एंड ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट अ वार्निंग लेटर. जो आपको वार्निंग लेटर मिलता है, नाउ यू विल बी थिंकिंग वार्निंग लेटर किसे कहते हैं. सो गाइज, वार्निंग लेटर उसे कहते हैं जो फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, किसी भी स्कूल में आप जाते हो, राइट? जब स्कूल में जाते हो तो फॉर एग्जाम्पल आपको टीचर लिख के देती है, दिस इज द फाइनल वार्निंग लेटर टू योर चाइल्ड बिकॉज ही इज बिहेविंग स्टूपिडली इन आवर स्कूल, राइट? ना फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल की टीचर को बोल देते, नहीं दिस इज अ फाइनल वार्निंग लेटर, उसके बाद हम इनको स्कूल से निकाल देंगे. सो सेम एज लाइक दैट, ओके. नाउ दिस इज अ वार्निंग लेटर फॉर द क्रू एज वेल, कि अगर आप लास्ट टाइम ये आपका फर्स्ट टाइम है, डोंट डू इट अगैन. और आपको पूरा वार्निंग लेटर मिलता है इस चीज़ के रिगार्डिंग में, बिकॉज आपकी वजह से फ्लाइट मिस हो गई, फ्लाइट लेट भी हो सकती है आपकी वजह से, ओके. सो दिस इज मेन मैंडेटरी थिंग. और अगर हम जाए दूसरी जो मेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपकी मैनुअल. सो गाइस, ये मैनुअल आपको, ये सारी चीजें आपको जब आप ज्वाइन कर लोगे तब आपको सारी चीजें मिलेंगी. और रही बात उससे पहले आपको वही चीजें नहीं मिलेंगी तो कमेंट सेक्शन में ये मत पूछेगा कि वो सारी चीजें आपको कब मिले, कहाँ मिलेगी, दीदी प्लीज बता दीजिए वो सब. तो वो सारी चीजें आपको ज्वाइन करने के बाद, की ट्रेनिंग के बाद, तब ये जब फ्लाइंग स्टार्ट कर दोगे तब मिलेगी, ठीक है. सो दिस इज द सेकंड थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी योर QRH. QRH मीन्स क्विक रेफरेंस हैंडबुक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी फॉर योर फ्लाइट. सो ओके, नाउ व्हाट डू यू विल बी थिंकिंग, कि क्या मतलब होता है यार, कितना डिफिकल्ट बता रहे हो आप, है ना. सो चलिए, नाउ आई टेल यू, जो हमारी मैंने बोला था 1000 pages की मैनुअल होती है, 700 to 800 pages की जो मैनुअल होती है, उसका शॉर्ट में एकदम बहुत जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, सिर्फ उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं. सो अगर फॉर एग्जाम्पल कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी और नॉर्मल इमरजेंसी, क्रैश लैंडिंग और एनीथिंग हैपनिंग इन द फ्लाइट, आप इसको रेफरेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो. सो इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैरी करना. और फॉर एग्जाम्पल, और ये फ्लाइट के डॉक्यूमेंट्स बोल जाते हैं. Now third thing which is very very important, that is your file. Okay, now this you will be thinking, file कैसे भी बना सकते हो, मेरी फाइल ऐसी है, कुछ मैंने इस पर टेपिंग लगा के रखा, बिकॉज हमेशा फट जाती है. सो ऐसी कोई फाइल भी बनानी होगी आप लोगों को, फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, यू भी थिंकिंग क्या करना है, मैं अभी बना के लिख लेती हूँ पहले. पर ऐसा नहीं होता, जब तक आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करोगे, जब तक अपना स्टार्ट नहीं करोगे, ये डॉक्यूमेंट्स जब तक आपके पास नहीं आ सकते. सो ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर, फाइल्स के अंदर सिर्फ वही होता है जो भी रीसेंट सर्कुलर्स होते हैं, जो भी चीज़ें अपडेट होती है आपकी एयरलाइंस में, या फिर कोई DG से अकॉर्डिंग कोई न्यू रूल्स आएंगे. सो ये सारी चीज़ें अपडेट होके आपकी फाइल्स में आती हैं. नाउ इफ आई टेल यू अबाउट
ये दोनों चीज़ें करना है बिकॉज इज द डॉक्यूमेंट्स यू आर गोइंग टू कैरी इन योर फ्लाइट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यू बी थिंकिंग कि अगर मैं रख के जाऊँ ना जाऊँ तो क्या ही फायदा है, किसको ही पता चलेगा. पर ऐसा नहीं है, आप जैसे ही अपने बेस पे, आप जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंचोगे तो सबसे पहले आपकी जो लीड होगी वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी और वो अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. एंड इफ यू थिंक आपने वो कैरी नहीं किए हैं सो यू नॉट गोइंग फॉर द फ्लाइट एक्चुअली. सो ये तीन चीज़ें हैं जो आपको कैरी करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ आई बी थिंकिंग कि ये कैरी करना क्यों इंपॉर्टेंट है. हर एक चीज़ के पीछे एक एंड ऑब्वियसली हर एक चीज़ का मोटिव होता है. नाउ इस चीज़ को कैरी करने का ये चीज़ है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कभी फ्लाइट में कुछ भी होता है यू शुड ऑलवेज हैव अ रेफरेंस अबाउट दैट. एंड फॉर एग्जाम्पल आपका डीजे से ऑडिट भी हो सकता है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर सकते हैं. नाउ यू थिंकिंग डीजे से ऑडिट किस को कहते हैं यार, क्या क्या बोलती जाती होती थी आप ना. ओके, नाउ डीजे से ऑडिट मीन्स जो भी एयरलाइंस के हेड होते हैं उसको डीजे से बोलती है. डीजे से रेगुलेशन बॉडी जो सारी एयरलाइंस को हैंडल करती है, उनका रैंडमली कभी भी चेक हो जाता है किसी भी फ्लाइट में. सो आपके डॉक्यूमेंट्स वो चेक करते हैं एंड यू कांट बी लाइक नो आई वांट शो यू द डॉक्यूमेंट्स प्लीज एक्सक्यूज मी आई एम नॉट कैरिंग दैट. छुट्टी आपकी वजह से, आपकी वजह से फ्लाइट डिले हुई, देन यू आर गॉन. गॉन मीन्स एज आपको वार्निंग लेटर मिल जाएगा दोबारा से, कुछ होगा नहीं बट या ऑब्वियसली वार्निंग लेटर मिलेगा. वार्निंग लेटर इज नॉट सो गुड बिकॉज जितने ज्यादा वार्निंग लेटर होते हैं आपका डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी जो रिपोर्ट्स होती है वो बेकार ही होती है, आपके प्रमोशन्स में मिस्टेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं. ऑब्वियसली आपके वार्निंग लेटर्स नहीं होनी चाहिए, राइट. सो यस, दिस इज अ मेन थिंग. सो दीज आर सम थिंग्स विच थ्री थिंग्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोइंग फॉर द फ्लाइट. तो मेक श्योर माई फ्यूचर कैबिन क्रू इन तीन चीज़ों का हमेशा हमेशा कैरी करो. आप अपने आप को भूल नहीं सकते हो, इन डॉक्यूमेंट्स को भूल नहीं सकते हो. खाना पीना भूल जाओ चलेगा बट ये डॉक्यूमेंट्स भूलना इज नॉट पॉसिबल. ओके, और रही बात गाइस, दिस वन थिंग इज ऑल्सो देयर, दैट इज अ एक्स्ट्रा योर यूनिफॉर्म. ओके, नाउ यू कैरिंग अ यूनिफॉर्म इज लाइक यू कैन कैरी ऑब्वियसली बिकॉज मतलब के अपने जितने भी बैग में जो भी मेरे बैग्स में सामान था मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ क्रू बैग में क्या क्या सामान होता है. अभी तक मैंने नहीं देखा वो वीडियो भी जाके देख सकते हो. और क्रू बैग में से ये तीन चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो अब मैंने आपको आज बता दिया है. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे. अगर वीडियो अच्छी लगे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड सी द नेक्स्ट वीडियो. आई होप इससे आपको नॉलेज मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. सी द नेक्स्ट वीडियो, बाय.